प्रथम शैलपुत्री च्वितीमय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेती चतुर्थकम्, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेतिष्टम कात्यायनीति चप्तम कालरात्रेति महागौरी चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता ओम दुंग दुर्गाय नम धर्म साधना परिवार के सभी सदस्यों को चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों बात करूंगी आज की वीडियो में नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में नवरात्रि का प्रथम दिन बहुत विशेष होता है क्योंकि इस दिन कलश की स्थापना की जाती है अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है और इसी दिन कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करके और नौ दिन की पूजा प्रारंभ करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ की कलश की स्थापना आपको किस प्रकार से करनी है प्रथम दिन के पूजा की संपूर्ण विधि क्या होगी किस प्रकार से आप देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और हाँ बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो कलश की स्थापना नहीं करते हैं अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं करते हैं तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उनके लिए भी संपूर्ण जानकारी कि वो किस प्रकार से बिना कलश की स्थापना किए और बिना अखंड दीपक प्रज्वलित किए भी पूजा आराधना कर पाएंगे ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी तो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो और हाँ आज की वीडियो में प्रथम दिन की पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ इसी प्रकार से प्रतिदिन की पूजा विधि किस प्रकार से आपको पूजा करनी है कौन से रंग के वस्त्र धारण करने हैं भोग क्या अर्पित करना है मतलब नौ दिन संपूर्ण पूजा विधि जो होती है प्रतिदिन की वो आपको हर रोज मिलेगी वीडियो तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त होगी और इसके अलावा अगर कोई भी आपका प्रश्न हो तो वो भी अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर या तो वीडियो में मिल जाएगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में ही आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और अब जानते हैं कि कलश की स्थापना आपको किस प्रकार से करनी है और पूजा आपको कब करना है और कैसे करना है देखिए जैसे कि पूजा हमें करना है कल कल नवरात्रि का प्रथम दिवस होगा लेकिन आज आप अपने घर में पूरी तैयारी कर लीजिए जहाँ पर आपको चौकी लगानी है साफ कर सकते हैं जो भी देवी देवता आपके घर में विराजित हैं जिनकी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं मंदिर मतलब आपके घर का पूरा अच्छी तरह से साफ कर लीजिए आप चाहे तो चौकी की व्यवस्था भी आज ही कर सकते हैं जैसे कि चौकी लगा सकते हैं कपड़ा बिछा सकते हैं सभी सामग्री जो पूजा की होती है वो सारी सामग्री जहा पर आपको चौकी लगानी है वहीं पर व्यवस्थित करके रख सकते हैं इससे क्या होगा कि कल जो हम पूजा करेंगे तो पूजा में किसी भी प्रकार की भागम भाग नहीं होगी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से पूजा कर पाएंगे तो जितनी हो सके व्यवस्था आज कर लेनी चाहिए सफाई आज ही कर लीजिए चौकी आप चाहे तो आज बिछा सकते हैं और चौकी पर लाल कपड़ा भी आप चाहें तो आज बिछा सकते हैं कोई समस्या नहीं है तो जितनी हो सके आज व्यवस्था कर लीजिए और अब बात करते हैं कल की पूजा विधि के बारे में तो कल जैसे कि आपको प्रातः काल जल्दी उठना है स्नान कर लीजिएगा और स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है तो नवरात्रि का प्रथम दिवस है प्रयास कीजिए कि आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें अगर सुहागिन महिलाएं हैं लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं बाकी अगर पुरुष भाई हैं अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी शुभ रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं नवरात्रि में काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए बाकी आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं और स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर लीजिए उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जो भी आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं पहले वो पूजा संपूर्ण कर लीजिए उसके बाद आपको देवी की आराधना करनी है तो जहाँ पर आप चौकी लगाना चाहते हैं साफ सफाई आपने पहले से कर रखी है लकड़ी का एक पाटा बिछा सकते हैं उसके ऊपर आप चाहे तो एक लाल कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं अगर हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम अलग से चौकी लगाएं तो क्या करें हाँ जी बिल्कुल आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए यथाशक्ति तथा भक्ति जितनी हमारी सामर्थ्य होती है शक्ति होती है उसी के अनुसार हमें पूजा आराधना करनी है तो जैसी भी व्यवस्था आपके पास है अगर चौकी लगा पाते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है नहीं लगा पाते हैं घर के मंदिर में भी जितनी जगह है उसमें भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं और अब बात करें कि चौकी पर आपको माँ की मूर्ति या फोटो किस प्रकार से विराजित करनी है तो देखिए जहाँ पर आपने चौकी लगाई है लाल कपड़ा बिछा लीजिए चावल थोड़ा सा रख लीजिए जहां पर भी आपको माँ की मूर्ति रखनी है या फिर अगर आपके पास फोटो है तो फोटो भी रख सकते हैं अखंडित चावल होने चाहिए बिल्कुल भी टूटे हुए चावल ना हो ऐसे चावल को आपको माँ की मूर्ति या फोटो के नीचे रखना है उसी के ऊपर माँ को विराजित करना है आप चाहे तो रंग से चावल को रंग सकते हैं मतलब लाल रंग से चावल रंग कर और उसी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर सफेद चावल भी ले सकते हैं जैसे भी आपके पास उपलब्धता हो तो चावल रख दीजिए उसके बाद आपको माँ की मूर्ति या फोटो रखनी है तो अगर आपके पास मूर्ति है विग्रह है माँ दुर्गा की तो आप उनको स्नान करा सकते हैं अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से जैसे कि दूध दही घी शहद शक्कर ये पांचों चीज़ें मिलाकर पंचामृत बना लीजिए माँ का अभिषेक कर लीजिए फिर शुद्ध जल से अभिषेक कर लीजिए और उसके बाद उन्हें वस्त्र धारण करा सकते हैं और फिर आप उस चावल पर विराजित कर सकते हैं और जिन भक्तों के पास फोटो है फोटो पर ही स्नान का भाव करते हुए थोड़े से जल के या पंचामृत के छींटे दीजिए उसके बाद साफ कपड़े से माँ की तस्वीर को साफ करके और चावल की ढेरी पर माँ को विराजित कर दीजिए इसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है देखिए सबसे पहले कलश की ही स्थापना करी जाती है उसके बाद ही पूजा प्रारंभ होती है तो कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं चाहे तो धातु का ले सकते हैं चांदी का तांबे का या पीतल का जो भी धातु आपके पास उपलब्ध हो आप उस धातु का प्रयोग कर सकते हैं हाँ एक और चीज का ध्यान रखिए स्टील के पात्र का प्रयोग पूजा में मत कीजिए आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं लेकिन हाँ अगर आप मिट्टी का ले रहे हैं तो ध्यान रखिए एक दिन पहले ही जल भरकर उस मिट्टी के पात्र में रख दीजिए जब अच्छी तरह से जल सोख लेता है वो पात्र फिर आप कल उस जल को पलट दीजिए किसी पौधे में और उसके बाद उसी मिट्टी के पात्र को कलश के रूप में आप रख सकते हैं क्योंकि देखिए बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि मिट्टी का कलश हमने रखा और जल सारा सूख गया इसका संकेत क्या होता है तो देखिए इसमें संकेत जैसी कोई बात नहीं होती है मतलब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बस थोड़ी सी सावधानी करनी होती है लेकिन मिट्टी के पात्र में वैसे भी जल काफी हद तक सूख जाता है या तो पूरा सूख जाता है या कई बार थोड़ा बहुत बच जाता है तो इसको लेकर संशय नहीं रखना चाहिए अगर आप मिट्टी का पात्र स्थापित करेंगे कलश के रूप में तो ये होगा ही इस बात का ध्यान रखिए तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो कोई धातु का कलश रख लीजिए आप चाहे तो तांबे का या चांदी का कोई भी कलश रख सकते हैं और हाँ कलश की स्थापना आपको माँ दुर्गा के दाई तरफ करनी है जहाँ आप बैठे हैं वहां से आपका लेफ्ट साइड आएगा और माँ दुर्गा का राइट साइड आएगा जहां पर आप कलश रखते हैं और कलश के नीचे भी आपको या तो अष्टदल कमल बनाना है या फिर आप चाहे तो ऐसे ही चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर भी कलश रख सकते हैं कलश में सामग्री कौन सी होगी जो आपको डालनी है देखिए कलश में आपको दो लौंग डालनी है दो हरी इलायची डालनी है एक साबुत हल्दी डाल दीजिए साबुत हल्दी ना हो तो आप हल्दी का पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं सुपारी डाल दीजिए एक सिक्का आप चांदी का भी ले सकते हैं चाहे तो कोई नॉर्मल सिक्का भी एक रुपये पाँच रुपये दस रुपये का ले सकते हैं अक्षत डाल दीजिए अब देखिए ये चीज़ें आवश्यक हैं इन्हें डालना ही है कलश में इस बात का ध्यान रखिए इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं जो आपके पास उपलब्ध हो तो आप डाल सकते हैं जैसे कि गोमती चक्र या फिर कमल गट्टे और जैसे कि कौड़ी है तो कौड़िया भी डाल सकते हैं सर्व औषधि डाल सकते हैं इत्र डाल सकते हैं मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑप्शनल होती हैं आप चाहें तो इनका प्रयोग कर सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो तो इन सभी चीजों का अपना महत्व होता है अगर आप डालते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध ना हो तो लौंग इलायची साबुत हल्दी सुपारी सिक्का अक्षत ये जरूरी चीजें हैं ये जरूर प्रयोग कीजिए कलश में तो कलश स्थापित करने से पहले कलश को साफ कर लीजिए उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालते हैं कोई भी पवित्र नदी का जल हो तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं इसके बाद जल से इस पात्र को भर दीजिए और जो भी सामग्री आपके पास है कलश में डालने वाली ये सभी सामग्री कलश में डालकर उस चावल की ढेरी पर आपको ये कलश रख देना है इसके ऊपर आपको पंच पल्लव रखना है मतलब आम या अशोक के पत्ते नौ या ग्यारह की संख्या में पत्ते होने चाहिए जो आपको कलश पर रखना है इसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रख दीजिए पूर्ण पात्र क्या होता है देखिए आप चाहे तो मिट्टी का एक पात्र ले सकते हैं ढक्कन जैसा होता है या फिर कोई भी प्लेट रख सकते हैं उसी प्लेट में आप चाहें तो थोड़ा सा चावल रख सकते हैं और इस चावल पर आपको नारियल की स्थापना करनी है बहुत से लोग इस पर दीपक की भी स्थापना करते हैं दीप कलश भी बनाते हैं तो पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा है वैसे कलश पर नारियल रखना ज्यादा श्रेष्ठ होता है और हाँ कलश पर जब नारियल रखा जाता है तो इस बात का ध्यान रखिए कि नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए और नारियल पानी वाला होना चाहिए नारियल के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं और हाँ नारियल के ऊपर आपको कलावा लपेटना है अगर आप कलावा लपेटते हैं तो तीन बार कलावा लपेटेंगे और अगर आप चाहें तो जो चुन्नी होती है लाल वाली उस चुन्नी को भी नारियल पर लपेट सकते हैं जो भी चीज आपके पास उपलब्ध हो और हाँ जब आप कलश रखते हैं तो कलश को अच्छी तरीके से सेट कर दीजिए क्योंकि अगर आप नौ दिन तक पूजा आराधना करते हैं तो नवरात्रि में नौ दिनों तक कलश को छुआ नहीं जाता है बिल्कुल भी हिलाया नहीं जाता है इसलिए जब आप कलश रख रहे होते हैं तभी अच्छे से चेक कर लीजिए कलश कहीं से भी हिले ना या गिरे ना क्योंकि बाद में कई लोगों के ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि हमारा कलश बीच में ही गिर गया है मतलब किसी भी दिन किसी के हाथ से लगकर गिर गया है क्या करें तो देखिए एक बार कलश गिर जाता है हिल जाता है उसके बाद तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं संशय मुक्त होकर बस पूजा आराधना कर सकते हैं लेकिन पहले ही जब हम कलश की स्थापना कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं कि हिले ना कलश एकदम अच्छे से सेटल से से हो जाए तभी हम पूजा प्रारंभ करते हैं तब उसके ऊपर हम नारियल इत्यादि रखते हैं तो जब आप कलश रख लेते हैं देख लीजिए उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप कलश का पूजन करेंगे कलश पर थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए उसके बाद धूप दीप अक्षत पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध है सभी सामग्री आपको कलश पर अर्पित करनी है और सभी देवी देवताओं का आवाहन अब आपको करना है कि हे देवी देवता आप मेरे घर में विराजित हो हे माँ दुर्गा हे भगवती जगदम्बा आप मेरे घर में विराजित हो नवरात्रि के नौ दिनों तक मैं आपकी पूजा आराधना करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ आप सभी देवी देवता मुझ पर कृपा करें कि मैं नवरात्रि के नौ दिन की पूजा संपूर्ण कर पाऊँ निर्विघ्न मेरी पूजा संपूर्ण हो हे भगवती जगदम्बा आप मुझ पर कृपा करें तो कलश की पूजा करने के बाद आपको गणपति की पूजा करनी है अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति है आप माँ दुर्गा के बाई तरफ गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं और अगर आपके पास गणपति की मूर्ति नहीं है तो ऐसे में आप क्या करेंगे आप एक सुपारी लीजिए सुपारी पर आपको कलावा लपेटना है एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा चावल रखकर उसी के ऊपर आपको ये सुपारी रख देना है भगवान गणपति की आकृति मानकर इसी का पूजन आपको प्रतिदिन करना होगा तो गणेश जी की स्थापना माँ दुर्गा के बाई तरफ की जाती है कलश की स्थापना माँ दुर्गा के दाई तरफ की जाती है इस बात का ध्यान रखिएगा जब आप कलश की स्थापना करें तो, तो सबसे पहले भगवान गणेश की आप पूजा कर लीजिए विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं विग्रह नहीं है अगर आपके पास सुपारी का ही गणेश आपने बनाया है तो पंचोपचार विधि से जैसे कि थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए पुष्प अर्पित कीजिए धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए कुछ भोग की सामग्री अर्पित कीजिए और जनेऊ जरूर अर्पित कीजिए इस प्रकार से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी से आपको भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी है विघ्नहर्ता गणपति का ध्यान करके उनकी सच्चे मन से आराधना कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा में किसी भी प्रकार के विघ्न और बाधा ना आए संपूर्ण फल आपको पूजा का प्राप्त हो जो भी आपकी मनोकामना हो भगवान गणपति की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो जब भगवान गणपति की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है तभी हमारी पूजा आगे प्रारंभ होती है तो इसके बाद आपको नवग्रह की पूजा करनी है अब देखिए बहुत से लोगों के पास नवग्रह यंत्र होता है तो आप नवग्रह यंत्र की पूजा कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो चावल की छोटी छोटी नौ ढेरियां बना लीजिए मतलब नौ जगह थोड़ा थोड़ा चावल रखकर नवग्रह बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो एक प्लेट ले लीजिए उसी प्लेट पर आप चाहे तो जैसे कि रोली से या फिर हल्दी से या फिर आप चाहे तो चंदन से भी नौ बिंदियां लगा सकते हैं नवग्रह मानकर आप इनकी भी पूजा आराधना कर सकते हैं तो जैसे भी संभव हो नवग्रह की पूजा अत्यंत आवश्यक है क्योंकि नौ ग्रहों को शांत करके ही हम अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं नवग्रह मंत्र होता है वो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी आप लोग देख कर भी पढ़ सकते हैं तो धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि पंचोपचार विधि से आप नवग्रह का पूजन कर सकते हैं उसके बाद अगर आपने सोडस मात्र बनाई है या बनाना चाहते हैं तो सोडस मात्र भी बना सकते हैं और पंचोपचार विधि से सोडस मातृका की भी पूजा कर सकते हैं और उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाएगी तो माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए सबसे पहले अपने अपने दाहिने हाथ में में एक पुष्प लीजिए लीजिए थोड़ा सा अक्षत और दुर्गा का अपने मन में ध्यान कीजिए किसी भी मंत्र के द्वारा या स्तोत्र के द्वारा आप माँ दुर्गा का आवाहन कर सकते हैं चाहे तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते या फिर सर्व मंगल मांगल शिवे सर्वार्थ के शरण्य त्रय गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम दुम दुर्गाय नम या फिर आप चाहें तो नवारण मंत्र बोल सकते हैं किसी भी मंत्र को बोलते हुए माँ का ध्यान करना है आपको और ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दीजिए और हाँ आप चाहे तो एक पात्र ले सकते हैं उसी पात्र में ये सभी सामग्री रख सकते हैं जैसे कि जो आप ध्यान करते हैं वो सामग्री वो पुष्प आप चाहे तो एक पात्र में रख सकते हैं और इसी पात्र में ही आपको सोड़सौ पचास विधि से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी है तो सबसे पहले जब आप ध्यान कर लेते हैं उसी पुष्प के ऊपर आपको चार बार थोड़ा सा जल गिराना होता है और हाँ ये एक भाव की तरह होता है कि जैसे आपने माँ का आवाहन किया तो उसके बाद उनका पांव धुला रहे हैं हाथ धुला रहे हैं आचमनी करा रहे हैं और उनका स्नान करा रहे हैं इस प्रकार से चार बार हमें जल अर्पित करना होता है एक पुष्प के द्वारा आप जल के छीटे दे सकते हैं उसी जगह पर जहां पर आपने पुष्प अर्पित किया है ध्यान वाला और अब आपको वस्त्र अर्पित करना है तो आप चाहे तो माँ दुर्गा की जो मूर्ति है या प्रतिमा है उन्हें आप चुन्नी उड़ा सकते हैं लाल रंग की या फिर आप कलावा के दो टुकड़े तोड़कर माँ दुर्गा को वस्त्र स्वरूप में अर्पित कर सकते हैं इसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित कर दीजिए देखिए यज्ञोपवीत माँ दुर्गा की पूजा में भी अर्पित किया जाता है मतलब जो हम विशेष पूजा करते हैं सोड़सौ पचार विधि से उसमें माँ दुर्गा को भी यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है तो अगर आपके पास यज्ञोपवीत है यज्ञोपवीत अर्पित कर सकते हैं नहीं तो कच्चा धागा जो कलावे वाला है वही धागा तोड़कर माँ दुर्गा को यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए अर्पित कर सकते हैं और इसके बाद माँ दुर्गा को आप तिलक लगाएंगे आप चाहे तो रोली से लगा सकते हैं लाल चंदन से लगा सकते हैं और महिलाएं माँ दुर्गा को सिंदूर अवश्य लगाएं अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि पहले दिन हम सिंदूर क्यों लगाएं मतलब पहले दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए देखिए माँ दुर्गा की पूजा में पहला दिन हो या अंतिम दिन हो हर दिन आप सिंदूर लगा सकती हैं इस बात का ध्यान रखिए पुरुष माँ दुर्गा को रोली अर्पित कर सकते हैं लेकिन महिलाएं सिंदूर लगा सकती हैं इसके बाद माँ दुर्गा को पुष्प अर्पित कीजिए श्रृंगार की सामग्री है तो श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं और श्रृंगार की सामग्री नहीं है तो आप अष्टमी के दिन भी या फिर नवरात्रि में किसी और दिन भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं और इसके बाद माँ दुर्गा को भोग अर्पित करना है तो भोग में आप कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं पांच प्रकार के फल अर्पित कर सकते हैं चाहे तो कोई भी एक फल अर्पित कर सकते हैं और इसके साथ ही मीठा अवश्य अर्पित करना चाहिए तो आप चाहे तो बताशे का भोग लगा सकते हैं या फिर सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं जो भी आप भोग अर्पित करेंगे पूरे श्रद्धा भाव से सामर्थ्य के अनुसार जरूर अर्पित कीजिए और हाँ भोग अर्पित करने के बाद मुख शुद्धि के लिए पान के पत्ते पर लौंग इलायची और सुपारी रखकर अर्पित किया जाता है और इसके बाद दक्षिणा अर्पित कीजिए दक्षिणा मतलब आप चाहे तो एक रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार ग्यारह रुपए इक्कीस रुपए या इससे ज्यादा भी रख सकते हैं लेकिन सोड़सौ पचार विधि से जो हम पूजा करते हैं उसमें दक्षिणा आवश्यक होती है और माँ दुर्गा की प्रथम दिवस की पूजा सोड़सौ पचार विधि से जरूर करनी चाहिए और ये बहुत आसान विधि है जिस प्रकार से मैंने आपको पूजा बताई है ये सोड़सौ सो प्रचार विधि से पूजा है जिसमें कहीं भी कोई मुश्किल नहीं है और जब आप दक्षिणा अर्पित कर देते हैं तो उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा चावल ले लीजिए और किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक अगर पूजा में रह जाती है तो उसके लिए सर्वाभावे अक्षतानी समर्पयामी इस प्रकार से बोलते हुए थोड़ा सा अक्षत माँ दुर्गा को अर्पित कर दीजिए इससे क्या होता है कि कई सामग्रियां ऐसी हैं जो हम नहीं अर्पित कर पाते हैं तो उसके अभाव में ये अक्षत अर्पित कर दिया जाता है इसके बाद धूप दीप दिखाकर माँ की पूजा कर लीजिए और अब आप बैठकर वहां पर मंत्र जप कर सकते हैं जो भी आप मंत्र जपना चाहते हैं चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहते हैं या कोई विशेष मंत्र है नवार मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नम है मतलब अपनी इच्छा के अनुसार अपनी कामना के अनुसार आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं इसके बाद लौंग और कपूर जलाकर मां की आरती कर लीजिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए पूजा आपकी पूर्ण हो गई और हाँ अगर आप नवरात्रि के नौ दिनों के व्रत धारण करना चाहते हैं या जिस प्रकार से भी आप एक या दो दिन के भी व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प आप माँ की पूजा करते समय ही ले लेते हैं और जो लोग अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं कलश स्थापना करने के बाद अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और जो बोना चाहते हैं तो जो भी आप इसी समय बो सकते हैं और अब बात करें कि जो भक्त कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं या फिर जैसे कि अखंड दीपक भी नहीं प्रज्वलित करते हैं उन्हें किस प्रकार से पूजा आराधना करनी है तो देखिए पूजा की विधि तो यही होती है जिस प्रकार से मैंने आपको बताई बस आप अखंड दीपक की बजाय कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित कीजिए मतलब जितनी देर तक आप पूजा कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं उतनी देर तक कम से कम दीपक प्रज्वलित रहे इस बात का ध्यान रखिए और अगर आप कलश की स्थापना नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको ध्यान रखना है कि जहां पर आप माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर रहे हैं वहां पर एक जल से भरा हुआ पात्र हमेशा होना चाहिए तो प्रतिदिन एक जल से भरा पात्र आप वहां रखेंगे और अगले दिन जब आप पूजा करेंगे तो वो जल आप किसी गमले में डाल देंगे और दोबारा दूसरा जल मतलब शुद्ध ताजा जल भरकर फिर से आप माँ दुर्गा के पास रख देंगे तो हर रोज आप जल से भरा पात्र अवश्य रखिए अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो बाकी की पूजा बिल्कुल इसी प्रकार से होती है आप कलश की स्थापना करें ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है अखंड दीपक जलाना भी आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है अच्छा बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि वो व्रत नहीं करते हैं लेकिन वो कलश की स्थापना करना चाहते हैं या अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं माँ की चौकी अलग से लगाकर पूजा करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश वो व्रत नहीं कर पाते हैं तो क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए जी हाँ बिल्कुल करना चाहिए आपसे जितना हो सके जैसे हो सके जिस प्रकार से भी हो सके माँ की सेवा कीजिए जरूरी नहीं है कि आप व्रत करेंगे व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आप अपना भोजन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक रखिए बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का आपको भोजन करना है ब्रह्मचर्य का पालन सभी को करना है चाहे आप व्रत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन इस नियम का पालन सबको ज़रूर करना है क्योंकि नवरात्रि में पूरे नौ दिनों तक माँ दुर्गा इस धरती पर विराजित होती हैं चाहे आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी माँ का वास आपके घर में रहता है इसलिए ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए घर में शुद्ध और सात्विक भोजन बनना चाहिए किसी के लिए भी लहसुन प्याज मत बनाइए किसी की निंदा किसी की जुगली आपको इन नौ दिनों में नहीं करना है क्रोध नहीं करना है घर में वाद विवाद की स्थिति ना हो इस बात का ध्यान रखना है जितना हो सके आचार विचार और व्यवहार शुद्ध रखिए माँ दुर्गा की कृपा आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी और हाँ इस चैनल पर आपको प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के पाठ की वीडियो भी मिलेगी तो आप जरूर सुनिएगा अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो सुनने मात्र से भी माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और हाँ कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में आने वाली वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी अगर कोई प्रश्न रह गया हो इस वीडियो में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पूरा प्रयास करूंगी कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार